झारखंड की राजधानी रांची में वहां के हेल्थ मिनिस्टर सदर हॉस्पिटल में दौरा करने पहुंचे कि कोविड से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ है वो सही है कि नहीं है, उस सब का दौरा करने, उन सब की जांच करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जो पूरा स्टाफ है मंत्री के आवभगत में इतना मशगूल हो गया कि वहाँ के मरीजों की पूरे तरीके से अनदेखी की गई। वीडियो में महिला साफ साफ कहते हुए दिख रही है कि डॉक्टर डॉक्टर हम चिल्लाते रहे लेकिन कोई नहीं आया बुलाने के लिए, सबके सब मंत्री के पीछे लगे हुए थे। ये हाल है, VIP कल्चर है हमारे देश का, होता है जब कोई मंत्री आता है तो उसके सामने चाहे लोग मर जाए, ट्रैफिक में लोग मर जाए, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, जो कि कुछ दिन पहले BJP की रैली में हमने देखा था। आम बात है, तो कह क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं। ये एक वीडियो जो सामने आ गई है कि ये हो रहा है देश के अंदर, ये झारखंड की वीडियो है। मेरे सामने कोई नई मौत हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मैं, मेरे आने के पहले की बात है। देखिए, मौत किसी की भी होती है, दुखद होती है, और मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करूंगा। और जो यदि कोई कमी खामी है और यदि उनके परिजन लिख के देंगे तो उस पर जो है तो चली गई है यहाँ पे। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, लखनऊ में, भोपाल में, गुजरात में यही चीज़ होती आ रही है। गुजरात में तो एक जगह पर पूरी पूरी चिमनी पिघल गई है, इतनी लाशें जलाई जा रही है कोविड की वजह से। अब भी वक्त है संभला जाए, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संभलने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के ऊपर ध्यान है, लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। क्या होगा मुझे नहीं पता, क्या होना चाहिए वो भी मुझे नहीं पता। सरकार के सामने जो तस्वीरें हैं वो हम रख रहे हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। पर राइट नाउ जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू कहीं कहीं पे लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ में वही जनसभाएं हो रही है। सब जो 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 तरीका है कोविड के फैलने का, वो सारा का सारा सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसे कुंभ मेला है, सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, BJP की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री की रैली हो रही है, ममता बनर्जी की वहाँ पर रैली हो रही है। असम में कुछ वक्त पहले रैलियों का सिलसिला थमा है, लेकिन वहाँ पर भी अगर अभी इलेक्शन में आगे भी चल रहा होता तो हो रहा होता। इन सब पे कोई ध्यान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की आज जयंती है, उसके ऊपर कार्यक्रम किए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में। इवन मीटिंग करके बताया जाता है कि बड़े सत्र पर कार्यक्रम किए जाएंगे जगह जगह पर। आज भी फतेहाबाद में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल, उन्होंने तो साफ कह दिया लोग अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेदार हैं, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है कि डॉक्टर्स को सख्त गाइडलाइन दी जाए कि मंत्री वगैरह आते रहेंगे जाते रहेंगे हॉस्पिटल्स में, उनकी आवभगत में इतने ना लगे कि आप पेशेंट को भूल जाएं। आपकी जिम्मेदारी अब भी वही है, और डॉक्टर्स को भी सही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अभी भी डॉक्टर बिना PPE किट के काम कर रहे हैं, ये हाल है देश के हॉस्पिटल्स में। तो मंत्री लोग जैसा मैसेज देंगे वैसा ही आगे फॉलो किया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।